हेलो एंड वेलकम टू अभिप्रीत्स किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बीटरूट कटलेट। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है कसा हुआ बीटरूट, 4 मीडियम साइज उबले हुए आलू, ब्रेड क्रम्स, कॉर्नफ्लावर या मकई का आटा, फ्रोजन कॉर्न, थोड़ा सा फ्रेश मटर, मूंगफली के दाने, थोड़ा सा काजू किशमिश, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चुटकी हींग, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और लाल मिर्च पाउडर। सबसे पहले हम एक पैन में तेल गरम कर लेंगे। तेल गरम हो जाने पे हम उसमें डालेंगे मूंगफली, इसे हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं काजू और किशमिश, इसे भी कुछ सेकंड्स के लिए हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो जाने पे हम इसे निकाल लेंगे और सेम पैन में तेल ऐड करके उसमें डाल देंगे हरी मिर्च, फिर मटर और कॉर्न। इसे भी हल्का सा फ्राई होने देंगे। जब तक ये फ्राई हो रहा है, हम अपने आलूओं को मैश कर लेंगे मैशर के हेल्प से। अब हम इसे मटर और कॉर्न के साथ ऐड कर देंगे। अब हम ऐड करें कसा हुआ बीटरूट। अब डालेंगे हम इसमें हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला पाउडर और आमचूर पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लें। इसे हम 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे काजू, किशमिश और मूंगफली। अच्छे से मिला के हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम रेडी कर लेते हैं कॉर्नफ्लावर का बैटर। मैंने यहाँ 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है और 2 स्पून के करीब मैं पानी ऐड कर रही हूँ। हमारी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए बैटर की। अब हम इसके कटलेट बनाना शुरू करेंगे। बनाने से पहले हम अपने हथेलियों को साफ करके उस पर थोड़ा तेल लगा लेंगे और अब चाहें तो अपना मनचाहा शेप इसे दे सकते हैं। मैंने यह ओवल शेप किया है। हम पहले इसे डिप कर रहे हैं कॉर्नफ्लावर बैटर में, फिर हम इसे कोट कर रहे हैं ब्रेड क्रम्स के साथ। हमारा एक कटलेट रेडी है। इसी तरह से हम बाकी के कटलेट्स भी बना लेंगे। आप चाहें तो यहाँ ब्रेड क्रम्स की जगह सूजी भी यूज कर सकते हैं। हमारे सारे कटलेट्स रेडी हैं। अब हम इसे रेफ्रिजरेट कर लेंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटा हो चुका है। अब हम एक पैन में तेल गरम करके अपने कटलेट्स को शैलो फ्राई कर लेंगे। इसे 1 मिनट तक लो फ्लेम पे फ्राई करें, फिर इसे हम पलट देंगे। दूसरी तरफ से भी हम इसे फ्राई कर लेंगे। कटलेट्स फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे किचन टॉवल पे निकाल लेंगे।
इसी तरह से हम बाकी कटलेट्स भी फ्राई कर लेंगे। इसे भी हम किचन टॉवल पे ऐसे ही निकाल लेंगे। अब हम बनाएंगे धनिया पत्ते की चटनी। मैंने यह धनिया पत्ता को धो के ऐसे मैंने डाल दिया है और यूज़ किया है टमाटर, थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्च और लहसुन। नमक डाल के हम अब इसकी चटनी बना लेंगे। मैंने यहाँ पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है। हमारी हरी धनिया की चटनी रेडी है। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। और क्रिस्पी और क्रंची कटलेट के साथ हम इसे परोसेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।